हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन के टाइम पर अगर आपके घर में कोई भी सामान बचता है तो वेस्ट ना करें। देखिए, ये लेफ्टओवर राइस है मेरे पास बचा हुआ है, तो और ना तो मैं इसका कुछ एक अच्छा सा नाश्ता ब्रेकफास्ट बनाती हूँ आज। और इसके लिए क्या चाहिए कि ये लेफ्टओवर राइस चाहिए आपको, एक बाउल मेरा बचा है तो मैं एक बाउल से बनाऊँगी। और ये है आटे वाला चावल का आटा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये जो राइस है ना, ये पका हुआ राइस है, इसको मिक्सी में अच्छी तरह से कर लीजिए। तो मेरी मिक्सी आजकल ख़राब हो रही है और बाहर सारी शॉप भी बंद है, तो इसको मैं अच्छे से हाथ से ही मैश करने की कोशिश करूँगी और उसमें ये आटा मिलाकर एक डो तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि इसको मिक्सी में पीस के इसको बिल्कुल महीन करके और एक डो, जैसे आटे का डो, रोटी का डो बनाते ना, ऐसा डो बनाना है। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको के आटे को मिक्सी में पीस लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद ये जो राइस का फ्लोर है ये मैंने डाल दिया और नमक स्वादानुसार डाल दिया। उसके बाद आप अपने हाथों का यूज़ कीजिए। ठीक है, हाथों का यूज़ करके आप इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे, जैसे हमारा बनता है ना रोटी का आटा। ठीक है, उसकी तरह से आप एक डो बना लेंगे। और उसके बाद हम इसको पूरा अच्छे से डो बना लेना है आपको। मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ और बिना हाथ के यूज़ करे आटा सही से गूंथता नहीं है। चावल को मिक्सी में अच्छे से पीसिएगा, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब हो रही है तो मैं इसको हाथ से ही डो बनाऊँगी। ठीक है, तो आप लोग इसको मिक्सी में करिएगा प्लीज़। ओके, अभी डो मिलते हैं डो बनाने के बाद। ये देखिए, हमारे डो तैयार हो गया है। ये आटे का, बिल्कुल चावल के आटे का, चावल का और उसके आटे का है, चावल के आटे का और पके हुए चावल का ये डो है। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसकी छोटी छोटी गोलियां, जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, उसमें मैंने नमक ऐड किया था बस, तो उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने ये पानी चढ़ा दिया है गैस पर। ये था, ये जैसे पानी उबल जाएगा, इसके गर्म हो रहा है, ये छोटी छोटी गोलियाँ बना कर इसमें डालेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी गोलियाँ बनाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से छोटा छोटा, ये देखो मैंने ले लिया है, इस तरीके का आपको लेना है, आप जिस साइज़ का बनाना चाहो। और ऐसे ऐसे छोटी छोटी, ये देखो गुलाब जामुन नहीं बनाते जैसे, है ना, थोड़ा सा वो ले लो, थोड़ा मुंह में जाए ना, अच्छा लगे, थोड़ा स्टाइलिश। इस तरीके से ये ले लिया, ये देखिए, देखो कैसे ये चावल का पके हुए लग रहा है, पके हुए चावल का आटा है, वो है चावल है और आटा है। तो ये देखिए, ये बन गया ऐसे 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 करके हम सारे गोले बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने गोल गोल सारे बना लिए हैं, ऐसे गोल बन गए हैं पूरे, कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट गुलाब जामुन की तरह। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था उबाल के, इसमें एक एक करके ऐसे सारे डाल दीजिए। ऐसे तो चावल पका हुआ है, बट क्या करना है कि जो हमने आटा डाला था ना चावल का, उसको 5 मिनट के लिए हमें पकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे डाल दीजिए और 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। नहीं, मैं ऐसा तड़का लाया जट मुझा मुड़ आया, तो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, ये इसकी क्या निशानी होती है, जब ये ना ये गोले गोले से ना ऊपर आने लग जाए, ये देखो ऊपर आ गए, तो इसका मतलब पक चुके हैं। ये देखिए ऊपर आ गए ना सारे के सारे, जैसे हम लोग स्पंज रसगुल्ला बनाते हैं ना, ऐसे ही ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसमें तो नमक डाल दिया, अगर आप इसमें नमक नहीं डालते ना, ये देखो, अगर आप इसमें नमक नहीं डालते तो आप क्या करते, इसको चाशनी में पकाते, जैसे मैंने जो ये मैंने पानी डाला, इसमें चीनी डाल देते तो हमारे स्पंज रसगुल्ले भी बन सकते। यानी दो चीज़, बचे हुए चावल के आटे से दो चीज़ें बन सकती हैं। एक तो मैं अभी आपको बताऊँगी, एक नाश्ता जो नमकीन वाला है और एक मीठा वाला बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुँह खा लो कप। चलिए फिर इसको ना स्ट्रेन करके छानने के बाद थोड़ा सा और पकने देते हैं 2 मिनट, और उसके बाद हम इसमें लगाते हैं तड़का, इसमें हम तड़का लगा। तो ये देखिए, ये किस तरह से स्ट्रेन करने के बाद कैसे हो गए। अब इसमें हम फाइनल देंगे टच और तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मस्टर्ड सीड होना चाहिए, लेकिन मेरे को मिले नहीं अभी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो फिर घर में ख़त्म हो गए थे। ये करी लीव्स और ये हरी मिर्ची मैंने काट के स्लिट करके रखी हुई है। तो आप क्या करें, इसमें तड़का लगाना शुरू करते हैं। आप ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दो, जलाना नहीं है हमारे को, बिल्कुल सिंपल रखना है, हल्का सा। आप ना मस्टर्ड सीड का यूज़ करें, ताकि ना थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, वो आता है हल्का सा। नमक इसमें पहले ही डाला हुआ है, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने दो में ही नमक डाल दिया था, ये बस इतना सा हो जाए, कड़ी पत्ते हल्के से हो जाए। ठीक है, कड़ी पत्ते बिल्कुल कच्चे से नहीं होने चाहिए, थोड़े से फ्राई हो जाए, बिल्कुल बढ़िया लगते हैं। जैसे ये हो जाए, उसके बाद आप अपने ये जो बढ़िया से टेस्टी टेस्टी बनाया ना आपने, इसमें डाल दीजिए। ये देखिए हम ले आए हैं, ये दीजिए, ये वाओ, वेरी गुड। अभी इन्हें फ्राई कर लीजिए मिर्चों के साथ। मस्टर्ड सीड होते तो और बढ़िया लगता, लेकिन नहीं है, तो आप लोग मस्टर्ड सीड डालना। मैंने ब्लैक ये तिल इसलिए डाले, ताकि थोड़ा सा ना, ये क्या कहते हैं इसमें, वो आ जाए, क्या कहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही हेल्दी लगेंगे, बहुत अच्छे टेस्टी। और आपके यहाँ चावल के आटों का भी यूज़ हो गया। अब इसका फाइनल करते हैं हम डेकोरेशन, बस लास्ट जो बचा है वो डेकोरेशन बचा है।
उसके बाद ये आपका बढ़िया सा नाश्ता। आप इसको ना दही के डिप के साथ खाओ, दही में थोड़ा सा सॉस मिला लो, एक डिप ये बन जाएगा। दही में थोड़ी सी हरी चटनी बना लो, वो डिप बन जाएगा। नहीं तो आप हरी खाली हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो या देसी घी के साथ भी खा सकते हो, जैसे कई लोग फरा भी बनाते हैं यूपी वाले, तो उस तरीके से भी खा सकते हैं। तो चलिए इसका फाइनल डेकोरेशन करते हैं।